देखिए कि आज मनीष जायसवाल हजारीबाग से समाहरणालय से नामांकन करके बाहर निकल रहे हैं और साथ में सीपी चौधरी वो आप देख रहे हैं गिरिडीह से और खीरू महतो जो राज्यसभा सांसद है जदयू से वह भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और नामांकन के बाद जो है कि तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है समाहरणालय में नामांकन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे भजन लाल शर्मा वह भी यहाँ पहुँचे थे। क्या कुछ कहते हैं नामांकन के बाद मनीष जायसवाल या कुछ देखिए। लोगों का आक्रोश और उत्साह कैसा लग रहा है सर? आज आपने देखा होगा राष्ट्र भक्तों का और राम भक्तों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हजारीबाग में लगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एकदम उतावला दिखा। ऐसा लगा कि जैसे अगर आज वोट हो तो आज ही प्रधानमंत्री बना देंगे। कांग्रेस कह रहे हैं कि राम सिर्फ उनके हैं क्योंकि मर्यादा में सिर्फ वो रहते हैं। कांग्रेस को तो पहले ये जवाब देना चाहिए कि जब राम मंदिर बना तो उसका निमंत्रण उन्होंने क्यों ठुकराया और कांग्रेस के कितने नेता अभी तक राम का दर्शन करके आए। तो जब वो किसी राम लला के मंदिर के निमंत्रण पर नहीं गए तो उनको अधिकार क्या है बोलने का उस बात पर? वर्तमान सांसद भी आपकी ही पार्टी के थे, आप भी सांसद, अगर आपको लोग चुनती है तो क्या ऐसे काम पुराने सांसद में छूटे रह गए वर्तमान सांसद में जो आप करेंगे? देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया होता है, किसी का कोई काम छूटता नहीं है। विकास डेवलप, आज रोड बनेगा नाली बनने की जरूरत है, नाली बनेगा उसके अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ के जो कोर मुद्दे हैं हजारीबाग के, वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे विस्थापन का, जो कि पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा यहाँ पर रेल नेटवर्क, पैसेंजर रेल नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ सड़कें हैं, कुछ वाटर सप्लाई है माइनिंग एरियाज़ में, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इंडिया गठबंधन को? इस समय आप देख रहे हो पूरे देश में विदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तो वैसे में चुनौती, तो वैसे इलेक्शन होता है, हम लोग अपना पूरा ताकत उसमें झोंकेंगे, लेकिन चुनौती कोई दिखती नहीं है। मतदाता को कैसे बाहर निकालिएगा जबकि दो चरणों में देखा गया कि मतदाता को बहुत है।